यूपी के जनपद मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे के किसान यूनियन डिकैत द्वारा क्षेत्र में हो रहे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और आवारा पशुओं से किसानों को नुकसान और जर्जर सड़कों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। भारतीय किसान यूनियन डिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेश सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुंडा पांडे क्षेत्र की अधिकतर सड़कें जर्जर स्थिति में आ चुकी हैं और आवारा पशु किसानों की फसलें नुकसान पहुँचा रहा है। इसके लिए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। मुंडा पांडे में कई ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे घोंडा एतमाली है, छतरपुर नट्टा खेड़ा है, वहां पर ग्राम समाज की 3000 बीघे जमीन है। आदरणीय डीएम साहब के निर्देश पर हमने पिछले माह जो तहसील में धरना प्रदर्शन किया था उसके माध्यम से 95 हेक्टेयर जमीन चिन्हित हो चुकी है, परंतु वो अभी भूमाफियाओं से मुक्त नहीं कराई गई है। वहाँ छोटे किसान हैं, 2 बीघे, 4 बीघे, 30 बीघे तक किसान वो भूमि नहीं जोत रहे हैं, भूमाफिया उनकी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। और लाला टीकर जो वाली सड़क है, लाला टीकर चौराहे से भीतखेड़ा चौराहे तक सड़क बहुत जर्जर अवस्था में है। एक करणपुर से सैदनगर को जोड़ने वाला 1.25 किलोमीटर वो बहुत जर्जर अवस्था में है, उन सबको ठीक कराया जाए, आवारा पशुओं को निजात दिलाई जाए। यदि वो 3000 बीघा जमीन सरकार एक्वायर कर लेती है, सरकार को करोड़ों, मुरादाबाद प्रशासन को, तहसील प्रशासन को करोड़ों रुपए की आय होगी और जितने भी गोवंश पूरे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं वो सबका संरक्षण हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार और जो प्रशासन के लोग हैं, जो मुरादाबाद तहसील प्रशासन के लोग हैं, जिले के लोग हैं, वो आँख मूंदे बैठे हैं और माफियाओं से मिलकर के वो लकड़ी कटवा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए की ग्राम सभा की लकड़ी है, उसे तत्काल रुकवाया जाए। अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती, आज हमने दिया है तो हम 20 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर मुसहरा ग्राउंड में बैठेंगे। ये हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह पूरी जिले की टीम का ये निर्णय हुआ है। किसे सौंपा है आपने? हमने एडीएम सिटी महोदया को ये ज्ञापन दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कार्रवाई कराते हैं। काफ़ी सालों से आप इन चीज़ों को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, तो क्या अब अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर अब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमारी जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी, तहसील कमेटी सब ने ये निर्णय लिया है कि हम जो है अनिश्चितकालीन धरना 20 तारीख से मुरादाबाद मुसहरा ग्राउंड में चलाएंगे। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।